ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप हिमाचल में बर्फ देखने के लिए आ रहे हैं या आ चुके हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि बर्फ के बाद सड़कों में बर्फ पूरी तरह से जम चुकी है और अब वाहन उन पर फिसलने लगे हैं। ऐसा ही हादसा सोलन के बड़ोग में उस समय हुआ जब एक व्यक्ति बर्फ पर सेल्फी ले रहा था, जिसमें एक परिवार के 5 लोग थे। सड़क किनारे गाड़ी खड़ा कर प्रकृति का आनंद ले रहे थे, तभी एक पंजाब रोडवेज की बस आई और बर्फ पर जमे कोहरे पर फिसल गई और खतरे से अनजान ये परिवार उसकी चपेट में आ गया। अगर आप हिमाचल में बर्फ देखने के लिए आ रहे हैं या आ चुके हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि बर्फ के बाद सड़कों में बर्फ पूरी तरह से जम चुकी है और अब वाहन भी उन पर फिसलने लग चुके हैं। ऐसा ही एक हादसा सोलन के बड़ोग में उसमें हुआ जब एक बर्फ पर सेल्फी एक परिवार ले रहा था, जो कि परिवार में पूरे 5 लोग थे। सड़क किनारे गाड़ी खड़ा कर प्रकृति का आनंद ले रहे थे, तभी एक पंजाब रोडवेज की बस आई और बर्फ पर जमे कोहरे पर फिसल गई और खतरे से अनजान ये परिवार उसकी चपेट में आ गया और एक व्यक्ति की टांगे बस के नीचे आकर कुचल गई। ये परिवार अम्बाला से शिमला घूमने जा रहा था, घायलों को PGI रेफर कर दिया गया है। अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि उन्होंने पीड़ित परिवार को फौरी राहत दे दी है और बताया कि इस घटना की मुख्य वजह बर्फ पर वाहनों का फिसलना है। इसके लिए उन्होंने पर्यटकों से आग्रह किया है कि वे बर्फ पर जमी सड़कों पर वाहन न लेकर जाएं और हमेशा होशियार रहें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बड़ों का रास्ता पूरी तरह से बंद करवा दिया है और चाइल्ड रोड पर भी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। हैरानी वाली बात यह है कि सोलन में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन सोलन से घायलों को PGI ले जाने के लिए एक भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। बाद में अस्पताल में मौजूद तहसीलदार गुरमत सिंह नेगी ने काफी मुशक्कत के बाद एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई, तब जाकर घायल को PGI भेजा गया। ये जो अभी बड़ों के पास गाड़ी स्किड होके नीचे गई थी, उसको निकाल दिया गया हाइड्रा मंगवा के। हाँ, की इंजरी काफी हुई है। अभी हमने तुरंत दिन से ही हमने ये कहा था कि कुमार हट्टी और सोलन तरफ बड़ों की तरफ कोई जाए नहीं, क्योंकि पर्यटक आ रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, वहाँ पर स्किड हो रहे हैं गाड़ियाँ, तो ये बिल्कुल हमने बिल्कुल बंद कर दी है। और इसका हमने खुद यहाँ भी हॉस्पिटल आया हूँ, हालात देखा है, काफ़ी इंजरी है, इसको फौरी तौर पर राहत के इंतजाम दे रहे हैं, ये किए जा रहे हैं और डॉक्टरों की टीम उनके ऊपर काम कर रही है। इसके साथ ही हमने एक एडवाइजरी और भी की है कि जैसे चाइल्ड की तरफ है वो भी गाड़ी हमने रोक दी है, लेट आवर्स में कोई जाएगा नहीं ताकि कोई हादसा ना हो। नेशनल हाईवे भी एम्पल हमने ट्रैफिक डिप्लॉय किया हुआ है ताकि इस फ्लो स्मूथ रहे, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना हो अलर्ट रखा हुआ है, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारी टीमें तैयार है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये घटना घटी है बर्फ के कारण? ये बर्फ के कारण स्किड है, ओवर एंथुसियाज्म टूरिज्म में है, लेकिन हमने बिल्कुल बंद कर दिया है कि कोई भी गाड़ी कुमार हट्टी से बड़ों की तरफ और सोलन बाईपास सपून से बड़ों की तरफ नहीं जाएगी, केवल वहाँ के लोकल आदमी जो वहाँ पे रहते हैं। तो ये हमने बिल्कुल बंद किया ताकि ऐसी घटनाएं फिर ना हो।